एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर की नगरपालिका अब लापरवाह हो चली है। अभी बारिश की कुछ ही बौछारें गिरी थी कि आयशर चौराहे से हाउसिंग चौराहे तक दोनों तरफ की सर्विस सड़क ने नगरपालिका अधिकारियों के दावों की पोल खोल कर रख दी। वास्तव में कुछ ही देर की बारिश के बाद तो स्थिति ये हो उठती है कि आप अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे कि सड़कों के बीच में बड़े बड़े गड्ढे हैं अथवा बड़े चौड़े गड्ढों के बीच में थोड़ी बहुत सड़क। ज्ञात हो कि पीथमपुर की सर्विस रोड का मुद्दा आज का नहीं वरन पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है और महज पिछले एक साल के ही आंकड़ों को उठाकर देखें तो 100 से अधिक बार दुर्घटनाएं हो चुकी है और कई जाने भी जा चुकी है। वहीं सिर्फ सड़क के मामले में ही नगरपालिका की लापरवाही सामने नहीं आ रही बल्कि आजाद चौराहे से जयनगर चौराहे तक हुए सड़क निर्माण में नगरपालिका कर्मचारी अब सुस्त हो गए हैं और आधा निर्माण कर भूले बिसरे दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल जिस संजय जलाशय रोड का निर्माण नगरीय प्रशासन ने किया है उसमें नालियों के मुंह खुले छोड़ दिए हैं एवं काम भी कछुए की चाल में हो रहा है, लिहाजा नाली में जमा गंदे पानी से मच्छरों की पैदावार का बढ़ना लाजमी है। ये गड्ढों का सर्विस रोड के जो गड्ढों का जो मुद्दा है काफी समय से चला आ रहा है और यहाँ पे न तो कोई ये जो फोर लाइन जिन्होंने बनाया है ना वो ध्यान दे रहे हैं नगर और न ही नगर पालिका यहाँ पे इस तरह ध्यान दे रही है। पिछले समय भी आपकी बाइट थी कि इस समय भी थोड़ा सा उत्साह जरूर जगा था क्योंकि फिर भी यहाँ पे जब बोल्डर डाले थे जितने बड़े बड़े बोल्डर डाले थे कि कई मोटरसाइकिल वाले गिरते गिरते बचे हैं और अभी भी ये समस्या बरकरार वही की वही है। और रहा सवाल ये गड्ढों का तो यहाँ पे इतने गड्ढे बड़े हो गए कि यहाँ पे डेंगू का मच्छरों का और गाड़ी पलटी होने का खतरा हमेशा बना रहता है। संजय जलाशय रोड अभी निर्माणाधीन है, रोड का काम करीब करीब पूरा हो गया है, नाली का काम अभी चल रहा है और जो आपकी शिकायत है पानी भरा रुका है तो उसको हम संबंधित जो इंजीनियर हैं ठेकेदार हैं उनको निर्देश दिए हैं उसको ठीक करने का पानी निकासी का क्योंकि काम अभी वहाँ चल रहा है तो नाली पूरी जब बन जाएगी तभी पानी बराबर फ्लो हो पाएगा उसका। फिलहाल अगर प्रयास कर रहे हैं कि पानी जमा ना होने पाए और अगर जहाँ पानी जमा भी है तो वहाँ कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी हमारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा बराबर कर रहे हैं। प्रयास ये है किसी प्रकार कोई बीमारी न फैले। ये लेफ्ट राइट जो आयशर चौराहे का है सर्विस रोड का इसका भी टेंडर हो गया है नगर पालिका से, वर्क आर्डर भी हो गया, संबंधित एजेंसी जो है बहुत कम रेट डाले हैं बिलो तो वो वर्क आर्डर ले नहीं रहे हैं तो उनको हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ब्लैक लिस्टेड कर रहे हैं और उस काम का फिर से नए सिरे से उसका टेंडर कर रहे हैं। अब टेंडर प्रक्रिया में जो भी समय लगता है दोबारा जो री टेंडर होगा और उसके बाद जैसे वर्क आर्डर अवार्ड हो जाएगा तो काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल जब तक ये प्रक्रिया चल रही तब तक वो बराबर उसका मरम्मत संधारण या जो गड्ढे हैं उसको ठीक करने का संबंधित इंजीनियर को निर्देश दे दिए हैं और ऐसा संभव जल्दी हो जाएगा। पीथमपुर से हरिकेश द्विवेदी की रिपोर्ट।